चिकन शोरमा तो आप सभी ने बहुत बार खाया होगा, हर जगह मिलता है आज के समय में, मगर क्या आपने कभी वेज चिकन शोरमा खाया क्या, जिसके स्वाद से लेकर शक्ल तक दोनों सेम टू सेम बिल्कुल चिकन शोरमा जैसी। वो नहीं खाया तो चलो कोई नहीं, चिकन टिक्का तो खाया होगा, वो तो किसे नहीं पसंद, मगर वेज वाले चिकन टिक्का की ना बात ही कुछ और है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, आपको जाते हैं नॉन वेज वाला वेज खाना कहाँ मिलता है, इसका स्वाद कैसा। तो चलिए मेरे, तो आज मैं आप लोगों को लेके आई सूरज कुंड मेला में, जो कि विश्व का बहुत ही प्रचारित मेला था। देख सकते हैं लोगों की तादाद देख के मेरा भी मन कर रहा था यहाँ आने का, और मैंने यहाँ पे देखा सबसे पहले वेजले का स्टोर, जो कि बेच रहा था नॉन वेज वाला वेज खाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया सबसे पहले लगाने जा रहे हैं यहाँ पे चिकन शोरमा। चिकन शोरमा तो भैया मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, ऊपर से वेज वाला तो भाई बात ही क्या, घर वाले भी खुश, ऊपर से ये वीगन भी है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं एक ही स्टाइल में कितना बेहतरीन खाना ये होने वाला है। तो सबसे पहले भैया ने शोरमा के पैकेट खोले शुरू करे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल चिकन जैसा इसकी फिलिंग थी, और जैसे बोनलेस चिकन होता ना शोरमा के लिए तैयार, बिल्कुल वैसे ये कटा हुआ था, और देखने में इतना यमी लग रहा था कि मन कर रहा था अरे ये वेज तो हो ही नहीं सकता, ये तो नॉन वेज है भाई, देखने से ही लग रहा है चिकन ही है ये तो, मगर नहीं ये प्योर वेज है, ये सोया चाप द्वारा बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे चिकन पीसेस को उठाते रहेंगे भैया, और इसे लगाते रहेंगे सीख के ऊपर, जैसे कि भाई चिकन शोरमा के लिए एक एक पीस को लगाया जाता है। और जैसे ही सारे के सारे पीस इस स्टिक पे लग जाएंगे, इस डंडे को उठा के कर दिया जाएगा शवरमा के लिए फिट, ताकि इसे अच्छे से सेका जा सके। उसका जो स्वाद आता है ना भाई, लेबनीज खाने की तो बात ही कुछ और है। क्या आपको पता था चिकन शोरमा लेबनीज खाना होता है? नहीं तो मेरे को जरूर बताइएगा। और यहाँ पे घूमना शुरू हो चुका है, पकना शुरू हो चुका है, इसे अच्छे से पकाया जाएगा, और ये जितना भी मसाले वाला पानी है या कह लो सालम है, इसको इकट्ठा करके दोबारा से इसके ऊपर ही डाला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मसाले वाले पानी की भी बरसात कर दी गई है, अब इसे अच्छे से पकाया जाएगा। और जैसे ही पक के तैयार हो जाएगा भाई, अब तो मेरे से इंतजार ही नहीं हो रहा, जल्दी से लगवाते अपना शवरमा और आपको बताते इसका स्वाद कैसा है। तो उसके लिए सबसे पहले भैया ने तवे पे डाल दिया तेल, तेल के बाद बारी आ गई प्याज की, तो यहाँ पे ढेर सारी प्याज डाली गई। अब इन्हें अच्छे से कूटा जाएगा, जैसे शवरमा को कूटा जाता है ना उसी प्रकार सारी की सारी प्याज को भी इसी तरीके से कूटा जाएगा, कूट के इन्हें कर दिया जाएगा साइड। उसके बाद बारी आ गई शवरमा काटने की, तो बड़ी सी चाकू लेके छुरी लेके इसको अच्छे से काटा जाएगा, जैसे कि चिकन शवरमा को काट के तैयार करा जाता है। भाई देखने में तो ये बिल्कुल चिकन शवरमा जैसे ही लग रहा है, देख के तो भैया कोई कह ही नहीं सकता कि ये वेजिटेरियन वालों के लिए भी हो सकता है। आपको क्या कभी ऐसा लगा था? मेरे को तो भाई कभी नहीं लगा, भाई वेजले वालों ने तो कमाल ही कर दिया। अगर आपको इनका चिकन शोरमा पसंद आया, वेजिटेरियन हो आप भी इसे स्वाद लेना चाहते हो, तो अपने आसपास के डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर ऑनलाइन इसे ऑर्डर कर सकते हो। अब इसे अच्छे से कूटा जाएगा, बिल्कुल दोनों छुरियां ले के भैया ने इसे अच्छे से कूटना शुरू करा, कूट कूट के इसे तैयार करा गया। और जैसे ये तैयार हो गया, इसमें डाल दी जाएगी भाई प्याज जो अलग से काट के रखी गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कूट कूट के तैयार करा गया। तैयार करने के बाद ये आ गई सारी की सारी प्याज, अब इसे उछाल उछाल के मिक्स करा जाएगा, दोबारा इसे कूटा जाएगा, कूट कूट के बिल्कुल बढ़िया सा शवरमा यहाँ पे स्वाद देने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी सारे के सारे शवरमा को एक साइड कर दिया जाएगा, उसके बाद बारी आ गई इसकी रोटियों की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वही शवरमा वाली रोटी है, जिसे देख के ना मन कर रहा है अरे भैया भैया ने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल लग रहा है ना भैया चिकन शवरमा जैसा। इसके ऊपर आ गई थोड़ी सी मेयोनीज, और ये आ गई इनकी स्पेशल चटनी। चटनी डाल के अच्छे से मिक्स करा जाएगा, मिक्स करने के बाद इसमें डाला जाएगा भाई शवरमा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फिलिंग को भी अच्छे से भर दिया गया है, अब इसे कर दिया जाएगा रोल, और यहाँ पे हमारा शवरमा बनके तैयार है। इसको दो टुकड़ों में काट दिया जाएगा और इन्हें डाल दिया जाएगा प्लेट के ऊपर। अब हमारी प्लेट भी लग चुकी है, तो मेरे से तो इंतजार नहीं हो रहा है, ऊपर से मैंने दोनों चटनियां भी थोड़ी थोड़ी दे दी है, तो चलते हैं इसका स्वाद लेते हैं और आपको बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। तो भाई मैंने इसे खाया, और मैंने इसे खा के हैरान परेशान हो गई कि कैसे ये वेज हो सकता है भैया, बिल्कुल नॉनवेज वाला स्वाद, और स्वाद इतना गजब है ना, आप इसे एक बार खाओगे मन करेगा कि पूरा का पूरा पैकेट लगता रहा और मैं ही खाती रहूं। अब दूसरी और इस तंदूर पे लगने जा रहे हैं हमारे चिकन टिक्का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तंदूर बिल्कुल गर्म हो चुका है, और यहाँ पे आ गया हमारा मलाई चिकन टिक्का और अफगानी चिकन टिक्का। दोनों चिकन टिक्का को दीदी ने बड़े प्यार से घुमा घुमा के अच्छे से सेका। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन्हें सेका गया। सेकने के बाद थोड़ा थोड़ा अमूल बटर का इस्तेमाल करा गया, ताकि इनका जो स्वाद है ना वो दुगना हो सके, क्योंकि अमूल बटर के बिना टिक्के तो भाई अधूरे हैं। जैसे ही एक टिक्का सिक के तैयार हुआ, इसको निकाल लिया गया बर्नी के अंदर। बर्नी के अंदर अब डाली जाएगी थोड़ी सी मेयोनीज या फिर आप कह लो क्रीम। क्रीम डालने के साथ साथ इसे अच्छे से मिलाया जाएगा, क्योंकि इसी में सारे के सारे मसाले होते हैं। तो आप जब भी इसे ऑर्डर करेंगे ना, आप इसे माइक्रोवेव में भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे ही बन के तैयार हो जाएगा, इसके साथ डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी और प्याज, और यहाँ पे हमारी प्लेट लग के तैयार है। लग रही है ना बिल्कुल शानदार। इसके ऊपर से दीदी ने सारी की सारी पे एक एक टूथपिक लगाई गई, ताकि खाना भी हमारा आसान हो सके, क्योंकि मेले में खाना ना वैसे ही बहुत कठिन हो जाता है। उसके बाद अब चखते हैं इसका स्वाद। भाई मैंने ये चिकन टिक्का खाया और इतना ज़्यादा बेहतरीन था, अगर आपने कभी बोनलेस चिकन टिक्का खाया ना, बिल्कुल सेम स्वाद आने वाला है।
तो आप भी अगर सोचते हो नवरात्रों में या घर वालों के व्रत में आप क्या खाओ, तो अब आप जाके वेजले का एक खाना ट्राई कर सकते हो, मेरे को बहुत पसंद आया। ऊपर से बात करी जाए इनकी वेज वाली चिकन बिरयानी की, तो ओए होए होए, इसकी तो मैं फैन ही हो गई। लोगों की भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको इनका खाना कितना पसंद आया। तो आप भी ऑर्डर करिए, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में।